नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 19 डीएसपी, 2 आईएएस का तबादला, 4 आईपीएस को मिली नई जिम्मेदारी। भीषण गर्मी के कारण बदला मनरेगा मजदूरों की वर्क टाइमिंग। बिहार के सरकारी आईटीआई में सीटों की हुई बढ़ोतरी। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से विवादास्पद हिस्सा हटा। एमएस धोनी की कप्तानी में आज ही के दिन सीएसके ने खेला था अपना पहला मैच। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 19 डीएसपी, 2 आईएएस का तबादला, 4 आईपीएस को मिली नई जिम्मेदारी। गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में 19 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि जिन 19 डीएसपी का तबादला किया गया है उनमें श्री नूरल हक सिवान, सुशील कुमार बक्सर, अफाक अख्तर असारी सारण, खुर्शीद आलम समस्तीपुर, संतोष कुमार नवादा, खुसरू सिराज पटना, धीरेन्द्र कुमार नालंदा, सुशील कुमार पटना, पुष्कर कुमार वैशाली, रामपुकार सिंह पटना, रविशंकर प्रसाद दरभंगा, शिवशंकर कुमार अररिया समेत 19 नाम शामिल है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 2 आईएएस का तबादला कर दिया गया है और साथ ही 4 आईपीएस को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि जिन 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार और राजस्व परिषद के सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के नाम शामिल है। इसके अलावा जिन 4 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है उनमें प्रमोद कुमार मंडल को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर समादेष्टा अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस बल दिया गया है। वहीं राजेंद्र कुमार भील को अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, राकेश कुमार को अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी और किरण कुमार गोरख जाधव को समादेष्टा बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य। वैसे छात्र जिन्होंने 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दी है लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ऐसे छात्रों को बिहार बोर्ड की ओर से 26 अप्रैल तक का समय दिया गया है ताकि वे ऑनलाइन शुल्क जमा कर सके, लेकिन अगर 26 अप्रैल के बाद छात्रों का शुल्क जमा नहीं होता है तो ऐसे छात्र का मूल अंक और प्रमाण पत्र बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से उन छात्रों को भी शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए आवेदन तो कर दिया है लेकिन शुल्क जमा नहीं किया है। इसके अलावा वैसे छात्र जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दिया है और शुल्क जमा नहीं किया है, वहीं बोर्ड की ओर से मैट्रिक 2024 के लिए 9वीं कक्षाओं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कार्ड भरवा दिया गया है लेकिन हजारों छात्रों के द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं किया गया है। बिहार में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में 6 भाषाओं में टीचरों की होगी नियुक्ति। अगर आप भी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल राज्य में बहुत जल्द ही प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में कुल 6 भाषाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इसको लेकर सभी जिलों से रिक्तियां भी मांगी गई है। मालूम हो कि राज्य में शिक्षकों की बहाली नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 6 भाषाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है उनमें उर्दू, बंगला, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा शामिल है। इसके साथ ही गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य सामान्य विज्ञान शामिल है। मालूम हो कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 90,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। ऐसे में अब जिलों द्वारा रिक्तियां भेजाने के बाद नई नियमावली के तहत इन पदों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। स्कूल बंद करने को लेकर आपदा विभाग का अहम निर्देश जारी। बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों को एक पत्र लिखा गया है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विभाग को जो पत्र भेजा गया है जिसमें बच्चों की चिंता जताई गई है और कहा गया है कि स्कूलों के बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके इसके लिए विद्यालय या तो विद्यालय को सुबह की पाली में चलाया जाए या फिर समय से पहले स्कूलों की गर्मी छुट्टी कर दी जाए। बता दें कि यह पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से डीएम को इस पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि फिलहाल अभी गर्मी को देखते हुए राज्य के कुछ जिलों में सुबह 10:30 बजे के बाद शैक्षणिक कार्यों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 107 मदरसों को अनुदान देने की दी अनुमति। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के द्वारा अलाउद्दीन बिस्मिल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा बिहार राज्य मदरसा कानून की शर्तों को पूरा कर रहे 107 मदरसों को वित्तीय अनुदान दे दिया जाए। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा राज्य के 2300 से अधिक मदरसों की जांच का आदेश दिया गया था और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि अगली सुनवाई तक इन संस्थानों को मिलने वाली सभी वित्तीय अनुदान के ऊपर रोक लगा दी जाए, जिसके बाद महाधिवक्ता पीके साही के द्वारा
कोर्ट को बताया गया कि अब तक 268 मदरसों की जांच पूरी हो चुकी है और इनमें से 107 मदरसे ऐसे हैं जो सभी शर्तों को पूरा करते हुए अनुदान पाने के योग्य हो चुके हैं। वहीं शेष बचे मदरसों को सुधारने के लिए 6 महीने का और समय दिया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा हलफनामा भी दायर किया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 21 जून को की जाएगी। भीषण गर्मी के कारण बदला मनरेगा मजदूरों की वर्क टाइमिंग। बिहार में लगातार गर्मी में बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों के काम करने के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि समय में बदलाव किए जाने के बाद अब मनरेगा मजदूरों अपने काम की शुरुआत सुबह 6 बजे से करेंगे, जो कि 11 बजे तक चलेगा और फिर शाम 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर मनरेगा आयुक्त के द्वारा सभी जिलों के डीएम को पत्र भेज दिया गया है। मालूम हो कि मनरेगा मजदूरों के काम करने के समय में बदलाव करने के साथ आहार और तालाब की खुदाई में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही घाट स्थल पर पेयजल तथा लू लगने पर मजदूरों का प्राथमिक उपचार कराने का आदेश भी सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से विवादास्पद हिस्सा हटा। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मढ़ा सत्याग्रह को लेकर त्रुटिपूर्ण तथ्य को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान की आपत्ति के बाद राजभवन के हस्तक्षेप के बाद कक्षा 8वीं की पुस्तक से हटा दिया गया है। दरअसल इस त्रुटि को लेकर 4 मार्च 2023 को योगेंद्र पासवान के द्वारा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि बाबा साहब के मढ़ा सत्याग्रह को लेकर गलत तथ्य अंकित किए गए हैं, जिस पर राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाए। मालूम हो कि इसके साथ योगेंद्र पासवान के द्वारा भारत सरकार को भी शिकायत की गई थी और कहा गया था कि बिहार सरकार को पत्र लिखकर राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाए। बिहार के सरकारी आईटीआई में सीटों की हुई बढ़ोतरी। अगर आप भी बिहार के सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में सरकारी कुल 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें अब 2744 सीटों की वृद्धि हो गई है, जिसके बाद अब बिहार में 149 सरकारी आईटीआई में सीटों की कुल संख्या 32,396 हो गई है। यानी कि अब 2023-24 सत्र में छात्रों को एडमिशन 29,652 सीटों के बदले 32,396 सीटों के लिए लिया जाएगा। इसके साथ ही अब विभाग के द्वारा आईटीआई के कुल सीटों में सिर्फ 25% यानी कि 8,000 से अधिक सीटों को बंधेज मुक्त कर दिया गया है, यानी कि इन सीटों पर अब किसी भी जिले के छात्र अपना नामांकन करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप बिहार से सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 13 मई तक bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। अगर आप बीपीएससी 68वीं की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन अब तक अगर आपने इसके मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 20 अप्रैल बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए बस आज भर का मौका है, आज के बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि मुख्य परीक्षा मई महीने में 12, 17 और 18 तारीख को आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि परीक्षा कुल 324 रिक्तियों को भरने के लिए ली जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम 26 जुलाई को जारी किया जाएगा, जिसके बाद इंटरव्यू का आयोजन 11 अगस्त को किया जाएगा और अंतिम परिणाम 9 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 138 नए कोरोना मरीज। एक बार फिर से कोरोना ने बिहार में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते दिन यानी कि पिछले 24 घंटे में राज्य से कोरोना के 138 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 665 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 138 मामलों में से सबसे ज्यादा संक्रमित बिहार की राजधानी पटना से सामने आए हैं। मालूम हो कि पटना से 67 मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब पटना में कोरोना मरीजों की संख्या 335 हो गई है। वहीं अब राज्य में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है, जो कि 7 महीने की बच्ची है। इसके साथ ही अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 12,591 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 65,286 पहुंच गई है। सीएम ने व्यवहार गिरी पर्वत का किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ की मीटिंग। राजगीर के व्यवहार गिरी पर्वत पर हुई आगजनी की घटना का सर्वेक्षण लेने को आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवहार गिरी पर्वत का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं सर्वेक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी, पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और नालंदा डीएम शशांक शुभंकर समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। बता दें कि इस बैठक में सीएम नीतीश के द्वारा सभी अधिकारियों को आग लगी की घटनाओं को रोकने और उससे
बचाव करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्यवहार गिरी पर्वत पर आग लगने के कारण विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जड़ी बूटी और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से जुड़ी अर्जी खारिज। मोदी सरने विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दी कि अब उनके इस मामले को लेकर आज यानी कि 20 अप्रैल को सूरत की सेंसस कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को लेकर 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसी को लेकर राहुल गांधी के द्वारा अपर कोर्ट में अपील की गई थी। मालूम हो कि अपर कोर्ट के द्वारा इसी आदेश के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ऐसे में अगर आज उनकी याचिका को कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता तो उनकी सदस्यता की बहाली का रास्ता खुल जाता। बिहार सरकार को मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत को लेकर मानवाधिकार आयोग के द्वारा बिहार सरकार और साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस नोटिस में कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी करने के बाद भी अब तक अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाया जा सका जिसका कारण अपनी नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देने का नतीजा है। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा बताए गए आंकड़े के अनुसार अब तक मोतिहारी में 31 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं आंकड़े पर स्तर पर लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा है। एमएस धोनी की कप्तानी में आज ही के दिन सीएसके ने खेला था अपना पहला मैच। आज यानी कि 20 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में अपना 15 साल पूरा कर लिया और साथ ही आज के दिन ही चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2008 में अपना पहला आईपीएल मैच खेला था। बता दें कि अब तक सीएसके 4 बार आईपीएल चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी है जिसमें उसने सबसे ज्यादा खिताब मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब चेन्नई सुपर किंग्स 13 बार आईपीएल में हिस्सा ले चुकी है और कुल 11 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी की है। वहीं टीम ने 9 बार फाइनल का भी सफर तय किया है। मालूम हो कि वर्ष 2008 से मौजूदा आईपीएल की सीजन 2023 तक चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ही निभाई गई है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, अभिषेक राज, सदुल्लाह पलवी, कन्हैया कुमार, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि शंकर, मृत्युंजय कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मुटु रंगीला, पीके पासवान, रवि कुमार राम, नौसद राजा, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस भीषण गर्मी से आप खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।